हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हम लोग अभी देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल एक कॉलोनी ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो ये कॉलोनी ओवर नाइट नहीं बना है, रातों रात ये कॉलोनी नहीं बना। इस पीरियोडिक टेबल के कॉलोनी को जो हम लोग अभी देखते हैं, हम लोग का जो मेन फॉर्म ऑफ हम लोग का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोगों के पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक्स इतने ईजिली नहीं फाइंड आउट हो गए। ये पीरियोडिक टेबल के 7 पीरियड्स, ये 18 ग्रुप्स, ये इतने ईजिली फाइंड आउट नहीं हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा हिस्ट्री, जो हिस्ट्री पूरा ये पीरियोडिक टेबल के इस फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल के एकदम बेसिक फॉर्म्स को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल एकदम शुरू में कैसा दिखता था, ठीक है। पहला पीरियोडिक टेबल कौन सा था? सबसे पहले जे डब्ल्यू डोबर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स कैरी करने वाले एलिमेंट्स को एक जगह पे अरेंज करने की कोशिश की है। देखो एक क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में जरूरी क्यों था, मतलब पीरियोडिक टेबल जरूरी क्यों था, एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना जरूरी क्यों था, ठीक है। तो एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना इसलिए जरूरी था ताकि एलिमेंट्स के स्टडी को सिंप्लीफाई किया जा सके। सिमिलर कैरेक्टर कैरी करने वाले एलिमेंट्स को अगर हम एक जगह पर रख देते हैं तो हम उसमें से एक या दो एलिमेंट को अगर पढ़ते हैं तो बाकी सबके कैरेक्टर अपने आप हमको पता चल जाती है ना। तो ये बहुत जरूरी था कि एलिमेंट्स को एक जगह पर रखा जाए जो सेम कैरेक्टर को कैरी करते हैं, और इस चीज के लिए बहुत लोगों ने मेहनत किया, जिसमें जे डब्ल्यू डोबर्नियर ने पहला अटेम्प्ट लिया और उन्होंने सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक जगह पे ग्रुप करना शुरू किया। उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप शुरू किया, ठीक है। तो जे डब्ल्यू डोबर्नियर पॉइंटेड आउट दैट विद इन अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ठीक है, थ्री एलिमेंट्स, इसलिए इसको ट्रैड रूल कहते हैं, डोबर्नियर का ट्रैड रूल। ट्रैड रूल मतलब तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है ना। तो थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट, अब तीन एलिमेंट्स जैसे कि यहां पे देख सकते हो आप, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया कि पहला और आखिरी एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो भी एटॉमिक वेट का मीन वैल्यू होगा वो सेकेंड एलिमेंट मतलब मिडिल वाले एलिमेंट का वैल्यू, एटॉमिक वेट के वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। क्या बोला, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ अदर टू, है ना। और उन्होंने बहुत सारे ट्राइड्स का फॉर्मेशन किया, जिसमें से देखिए यहां पे आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का अगर हम देखें तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 होता है ना, और सोडियम का जो एटॉमिक वेट होगा, ये सोडियम का एटॉमिक वेट 7+39 मतलब कि पहला और तीसरे का मीन, मीन मतलब एवरेज निकाल दो, तो 7+39 आप ऐड कर दो तो हो जाएगा 46 और डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आ जाएगा 23, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट था वो क्या था, 23। सिमिलरली कैल्शियम और बेरियम को अगर आप देखोगे तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 और बेरियम का एटॉमिक वेट 137। अब आप 40 और 137 को जब ऐड कर देते हो, ऐड करके जब डिवाइड कर देते हो 2 से तो आता है 88.5, तो 88 होता है स्ट्रॉन्टियम का आपका एटॉमिक वेट, ठीक है। तो हमेशा क्या, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड करके अगर उसका मीन वैल्यू निकाल देंगे तो मिड वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट हमको मिल जाएगा। और डोबर्नियर्स ऐसे ही एलिमेंट्स को ढूंढ ढूंढ करके एक जगह पे अरेंज करना शुरू किए और ये बोलना शुरू कर दिए कि ये तीनों एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हमको अब ये जानना है कि डोबर्नियर्स ऐसे कितने ट्रेड्स को अरेंज कर पाए।
तो पहला ट्रैक तो आपको दिख रहा है सोडियम पोटेशियम, सोडियम लिथियम और पोटेशियम का। दूसरा जो ट्रैड है वो था पोटेशियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम का, फिर सल्फर सेलेनियम टेलुरियम का, क्लोरीन ब्रोमीन आर्गन का। इसके अलावा भी बहुत सारा ट्रैड्स हम लोग देख सकते हैं, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन का, स्कैंडियम यूट्रियम लैंथेनम का, आयरन कोबाल्ट और निकल का। इन सब के ऊपर आप चेक कर सकते हो। इन सब का पहला और तीसरे के एटॉमिक वेट को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका मिड वाले का आ जाएगा। तो डोबर्नियर्स ये बोलना शुरू कर दिए कि जहां भी ट्रैड बनेगा उस तीनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे कुछ चलते रहा, है ना, ऐसा कुछ टाइम तक चलते रहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मॉडल नहीं बन पाया क्योंकि और नए एलिमेंट्स आने लगे। और उस टाइम पे भी जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उन एलिमेंट्स को भी ट्रायड में अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो किसी की मीन वैल्यू निकल ही नहीं रहे थे। तो उन एलिमेंट्स को कहां अरेंज किया जाए, इसका कोई क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन का कोई आंसर डोबर्नियर्स के पास नहीं था। तो ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्रायड। देखो ये लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स थी डोबर्नियर्स की, इसीलिए डोबर्नियर्स ट्रैड रूल को खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर एक नया मॉडल आया। ये पहला मॉडल था डोबर्नियर्स ट्रैड रूल, जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना शुरू किया गया था, मतलब एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दुनिया का पहला पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक दिस, है ना। देन नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट न्यूलैंड ऑक्टेट रूल आया। न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो आपकी म्यूजिक की नोट्स होती हैं सारे गामा पा धा नी सा, इसके ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। और पता है ये थोड़ा फनी सा अरेंजमेंट था, लेकिन ये अरेंजमेंट 20 एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में डाल दिया, 20 एलिमेंट्स जो सिमिलर कैरेक्टर को कैरी करते थे उनको एक जगह पर डाल दिया, है ना। तो ये थोड़ा फनी था लेकिन काम किया, कुछ दिन तक काम किया, लेकिन फिर बाद में ये इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए, ये भी फिर फेल हो गया। तो ये क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या था। तो ही मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कोरिलेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक वेट। उन्होंने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट के साथ मर्ज करना शुरू किया। अब देखो न्यूलैंड का मॉडल भले ही फेल हो गया, बट ही वॉज द फर्स्ट मैन हु टेक अ अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स एज पर देयर एटॉमिक वेट। और मेंडलीफ तक यही चला, है ना, मेंडलीफ भी एटॉमिक वेट पे ही अरेंज कर रहे थे। ठीक है, तो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड ये चीज शुरू किए थे जिसका बहुत बेनिफिट मेंडलीफ को मिला था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, राइट, एवरी एट्थ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन। ठीक है, तो लाइक प्रॉपर्टीज हो जाएगा किसका भाई, पहला और आठवें का। कैसे, देखो यहां पे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां। देखो पहले में क्या है, सा, सारे गामा पाधा नी सा, क्या है, सारे गामा पाधा नी सा, तो सा से सा तक देखो कैरेक्टर सेम आएगा, यहां के सा में जो होगा और यहां के सा में जो होगा, वो बोला कि भाई ये इन दोनों का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो देखो भाई हम जानते भी हैं कि लिथियम और सोडियम दोनों एल्कली मेटल्स हैं, दोनों का कैरेक्टर सेम है ना, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों का कैरेक्टर क्या है भाई, सेम है। ठीक है, तो ये मतलब पहला और आठवां, बोला कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जो होगा ये सिमिलर प्रॉपर्टीज को कैरी करेगा। क्लियर है मेरी बात, है ना, तो सा टू सा ये भाई सिमिलर कैरेक्टर को कैरी करने वाला एलिमेंट है। इसके ऊपर वो अरेंज करता चला गया, बहुत सारा कुछ अरेंज कर दिया, लेकिन एक बात पे आप गौर करो, यहां देखो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद सोडियम आ रहा है, नियॉन नहीं आ रहा है। नियॉन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे।
अब जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुए तो ये एट्थ पोजीशन या आठवां पोजीशन कौन लेगा? नोबल गैस लेगा, नोबल गैस लेगा, क्योंकि फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है तो नोबल गैस लेगा, क्लोरीन के बाद यहां आर्गन आता है, है ना। तो अब ये सा वाला जो पोजीशन था, ये पोजीशन कौन ले लेता? नोबल गैसेस लेना शुरू कर देता। तो ये रूल फिर कैसे ये बता पाता कि पहला और आठवें का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगा? ये तो हो ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि अब लिथियम पहला होगा तो आठवां कौन हो जाएगा? आठवां नियॉन हो जाएगा। अब ये तो एल्कली मेटल है लेकिन ये नोबल गैस है, इन दोनों के कैरेक्टर अब सेम नहीं हो सकती थी, तो ये रूल फेल हो गया। फेल हो गया क्योंकि इसमें नोबल गैस के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, है ना। और बाकी के भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिन एलिमेंट्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए न्यूलैंड ऑक्टेट रूल को भी क्या किया गया? कैंसिल कर दिया गया। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल के बाद, है ना, एक नया फॉर्म आया पीरियोडिक टेबल का, फिर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया जो था लूथर मेयर कर्व, ठीक है। तो चलिए लूथर मेयर कर्व के ऊपर हम लोग बात करते हैं। लूथर मेयर कर्व में लूथर मेयर ने क्या किया, एक कर्व को प्लॉट किया, कर्व को रखा उन्होंने बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम में, ठीक है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को वर्सेस करके उन्होंने एक कर्व बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक कर्व बनाया गया एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर के, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे पहले मैं ये बता दूँ कि एक कर्व में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप ये पहले जान जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है थोड़ी सी, वो क्या है कि इसको बोलते हैं एसेंडिंग ऑफ कर्व, ठीक है, कि एक कर्व में ऊपर की तरफ जा रहा है तो बोलते हैं एसेंडिंग ऑफ कर्व। ये देखो, ये बोलते हैं टॉप पोजिशन ऑफ अ कर्व, है ना, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ कर्व, और इसको क्या बोल देंगे, बॉटम पार्ट ऑफ कर्व। तो एसेंडिंग टॉप पार्ट, डिसेंडिंग बॉटम पार्ट, एक कर्व के ये पोजीशंस होते हैं। इन्हीं पोजीशंस को लेकर के लूथर मेयर ने कुछ बातें की। उन्होंने जब एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम एक कर्व को प्लॉट किया तो कुछ एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब एल्कली मेटल्स जो है, एल्कली मेटल्स मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, है ना। तो ये एल्कली मेटल्स जो है, ये एल्कली मेटल्स टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे कर्व में। किस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे? पिक पोजीशन को, है ना, एकदम जो उसकी चोटी की पोजीशन थी, टॉप की जो पोजीशन थी कर्व की, उसको ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पीरियोडिक टेबल अभी का जो पीरियोडिक टेबल अपना है उस पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं, और अल्कली क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का अभी के पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम, ये लोग जो थे, ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे डिसेंडिंग पोजिशन को। ध्यान रखिएगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे, अल्कली अर्थ मेटल्स, ये क्या पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे? डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे एक कर्व पे। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पिक पे था, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिसेंडिंग में था, डिसेंडिंग मतलब ये वाली पोजीशन पे थे, ठीक है। इसके बाद देखा गया मेटलॉइड्स जो है, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स में क्या क्या होता है भाई? तो मेटलॉइड्स में आपका बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, है ना, टी है, एटी है, ये लोग क्या है आपका मेटलॉइड्स है। तो मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई कर रहे थे बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व को। अब ध्यान रखिएगा भाई, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये क्या ऑक्यूपाई कर रहे थे? बॉटम पार्ट ऑफ कर्व। बॉटम पार्ट मतलब ये वाली पार्ट थी, है ना, तो बॉटम पार्ट ऑफ कर्व को ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे, इधर इधर का पोजिशन को ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है। चलिए, देन बोला गया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि हैलोजन्स होते हैं, वो एसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व मतलब कि ये वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो देखो, हम लोगों ने क्या बात किया था कि एसेंडिंग पोजीशन होता है जिसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो थे वो ऑक्यूपाई कर रहे थे,
पीक पोजीशन होता है जिसको मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे, डिसेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग पोजीशन होता है, डिसेंडिंग पोजीशन को लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे, और बॉटम का पार्ट होता है, बॉटम के पार्ट को कौन मेटलॉइड्स या ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई कर रहे थे। ठीक है, तो लूथर अपने कर्व में इस चीज को प्लॉट करने में सक्सेसफुल हुए। ठीक है, और उन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक कर्व को बनाया। तो चलिए देखते हैं कि लूथर मेयर की ओरिजिनल कर्व कैसी दिखती है। देखिए ये है लूथर मेयर की ओरिजिनल कर्व, जिसको एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम में अरेंज किया गया। देखिए टॉप पोजीशन पे आपको दिख रहा है एल्कली मेटल्स हैं, है ना। ये आपका जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है, तो डिसेंडिंग पार्ट में देखिए आपको क्या दिख रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिख रहे हैं, है ना। जो आपका एसेंडिंग पार्ट है, तो एसेंडिंग पार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, आपको मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। आपको क्या दिख रहा है भाई, तो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स एसेंडिंग पार्ट पे दिख रहा है। और जो आपका बॉटम का पार्ट है, तो बॉटम के पार्ट में आप देखो, बॉटम के पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, बॉटम के पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं बहुत सारे और मेटलॉइड्स आपके बॉटम के पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को लूथर मेयर कर्व के पे अरेंज किया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। ठीक है, तो इसे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लूथर मेयर प्रपोज्ड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हो ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एलिमेंट की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड दिस बिकम द बेस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब कि लूथर मेयर ही वो पहला आदमी था जो इस चीज को सक्सेसफुली बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, और अरेंज करके उन्होंने क्या बोला, क्या बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन, ध्यान रखिएगा ये वर्ड पीरियोडिक फंक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, है ना। और इसी चीज को हेल्प लेकर के मेंडेलीव क्या किए, अपना एक मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट किए, जो उस टाइम का मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था। क्लियर है मेरी बात, तो चलिए देखते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कैसा है। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग देखें कि इसका पीरियोडिक फंक्शन इन्होंने क्या बताया था, एटॉमिक वेट। ये लूथर मेयर के जो कर्व की जो मॉडल थी उसी को ये थोड़ा अपडेट किए, थोड़ा आगे की तरफ लेकर के गए, है ना, और इनको बहुत ज्यादा सफलता मिला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीरियोडिक लॉ क्या है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हम इसके ऊपर स्टार बना देते हैं, ये लाइन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट, तो ऑफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा भैया, याद रखियो, भूल ना जाइयो। ठीक है, देन हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ये भी थोड़ा बोर्ड्स के नजर में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे बोर्ड्स में क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है कि ये एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड मॉडल है। अभी जो हम लोग प्रेजेंटली पढ़ते हैं ना, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, मेंडेलीव जो दिए थे वो किसके ऊपर दिए थे, एटॉमिक वेट के ऊपर दिए थे। दूसरा जो इसका कैरेक्टर है वो है कि 63 एलिमेंट्स वेयर नोन, नोबल गैस वेयर नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, उस टाइम में 63 एलिमेंट्स नोन थे जब मेंडेलीव अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे, और नोबल गैसेस के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, मतलब नोबल गैस उस टाइम में डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। और तीसरा हम बोल सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, है ना, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। देखो इसके पहले भी बहुत लोग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश किए थे,
लेकिन मेंडलीफ को सबसे ज्यादा सफलता उन दिनों में मिला, क्यों? क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक मैनर को क्रिएट करने में सक्षम हुए थे, सिस्टमैटिक मैनर को क्रिएट कर पाए थे। सिस्टमैटिक मैनर मतलब क्या, एक हॉरिजॉन्टल रो बनाए, एक वर्टिकल कॉलम बनाए, मतलब कि बहुत सारा ऐसे रो बना, ऐसे बहुत सारा कॉलम बना, और फिर हर रो और हर कॉलम के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट का पोजीशन बताया गया, ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने क्या करा, सिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोशिश करा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आती हैं, टॉप टू बॉटम, तो ये वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस को हम लोग ग्रुप कहते हैं। अब एक मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 8 ग्रुप होते हैं, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 7 पीरियड और 8 ग्रुप होते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा देखोगे बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखा गया है, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज पीरियड, है ना, ये क्वेश्चन रहता ही है। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट हम लोग बात कर दें, नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टर है वो है कि ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इंटू ए एंड बी सब ग्रुप, है ना। 7 तक जितने भी ग्रुप बनाए गए थे वो सारे ग्रुप्स को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। ए सब ग्रुप जो था उसमें नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा गया था, और बी सब ग्रुप जो था उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया था, ठीक है। मतलब कि एक ग्रुप है, सपोज मान लो कि ऐसा ऐसे करके एक ग्रुप है, ये मान लो कि ग्रुप 5 है, तो ग्रुप 5 को ए और बी में क्लासिफाई कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें कुछ एलिमेंट्स रखे गए थे और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स रखे गए थे। तो ए साइड में जो एलिमेंट्स रखे जाते थे वो कौन से एलिमेंट्स होते थे, नॉर्मल एलिमेंट्स होते थे, और बी साइड में जो एलिमेंट्स रखे जाते थे वो एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते थे भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते थे। क्लियर है मेरी बात, गुड। 7th पोजीशन की तरफ आप आ जाओ, 7th प्रॉपर्टीज की तरफ आप आ जाओ, तो आप देखोगे कि द 8th ग्रुप वॉज कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ट्रांजिशन मेटल्स इसमें थे सिर्फ। 9th ग्रुप जो था, 9th ग्रुप को 2 नहीं बल्कि 3 रो में डिवाइड किया गया था, और 3 रो बना करके वहां पे, मतलब 3 ऐसे ऐसे रो वहां पे बनाए गए थे 9th में, और 3 रो बना करके वहां पे आपको ट्रांजिशन मेटल्स को प्लेस्ड किया गया था, ठीक है। देन 8th पॉइंट की तरफ में आप आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, जाहिर सी बात है इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा था कि एक ग्रुप में रहने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी कैरेक्टर क्या रहे, सिमिलर रहे। तो इस चीज में मेंडलीफ को सफलता मिली थी, ठीक है। फिर हम लोग बात करें कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थी, है ना, क्या मेरिट्स या एडवांटेज थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की। तो उसके पहले आपको क्या करना है, ये 8 प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना है, ठीक है। 8 प्रॉपर्टीज ये पूछे जाते हैं हमेशा, ओके। चलो फिर तो हम लोग बात कर रहे हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो पहली जो मेरिट थी वो थी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स की स्टडी बड़ा इजी हो गई थी उन दिनों, बहुत ही इजीयर वे में एलिमेंट्स की स्टडी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता था। तो फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो इतने भी नोन एलिमेंट्स उस टाइम के थे, मतलब 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे, तो जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सारे नोन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया, है ना, एक ऐसे ग्रुप में रखा गया जहां पे जो सिमिलर कैरेक्टर कैरी करने वाले एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप में आ सके, है ना। जिस वजह से स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजियर, बहुत ही आसान हो गया स्टडी कर पाना। नेक्स्ट हम लोग बात करें, दूसरा जो इसमें एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं वो है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। देखो मेंडलीफ ने जो 63 एलिमेंट्स नोन थे उनको तो रखा ही पीरियोडिक टेबल में सही पोजीशन पे, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया ही, साथ ही साथ कुछ नए एलिमेंट्स के बारे में भी बताया उन्होंने। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर में, देखो एक पीरियोडिक टेबल आ रहा है,
और यहाँ पे देखो कुछ जगह ब्लैंक है। ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, इन ब्लैंक स्पेसेस के ऊपर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जगह खाली है। पीरियोडिक टेबल में ये जो जगह खाली थी, मेंडलीफ ने इन एलिमेंट्स के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में एक गैप छोड़ दिया। वो कुछ गैप लिफ्ट करके आगे बढ़ते रहे और उसमें उन्होंने बताया कि आगे चल के स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नेटियम, ये सब एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे, है ना। और इवन उन्होंने ये तो बताया सो बताया कि भाई यहाँ पे कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने अभी बाकी हैं, और उन एलिमेंट्स का पोजीशन, उन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ पीरियोडिक टेबल में बता दिए। इवन उन एलिमेंट्स का नाम तक दिए, क्या बताया उन्होंने, बताया गैलियम का नाम दिया इका एल्यूमिनियम, स्कैंडियम का नाम दिया इका ब्रॉन, जर्मेनियम का नाम दिया इका सिलिकॉन, टेक्नेटियम का नाम दिया इका मैंगनीज, ठीक है। तो नाम बताया, पोजीशन बताया और प्रॉपर्टीज भी बताया, किनके बारे में, उन एलिमेंट्स के बारे में जो अभी डिस्कवर्ड होने बाकी थे। तो नए एलिमेंट्स के लिए उन्होंने प्रेडिक्शन किया और लोगों को बहुत इनकरेज किया, ठीक है, ताकि नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जाए। तो दिस वेयर द एलिमेंट्स फॉर होम पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज वेयर वेल डिफाइंड बाई मेंडलीफ इवन बिफोर देयर डिस्कवरीज एंड ही लेफ्ट द ब्लैंक स्पेस फॉर देम इन हिज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, तो आप देख लिया अभी अभी इस चीज को, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी आप लोगों ने इस चीज को देख लिया। तो प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो था ये मेंडलीफ का, हम बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हम लोग बोल दें इसके एडवांटेजेस में, वो क्या है, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। कुछ एक एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को लेकर के हम लोग डाउटफुल थे, है ना, मतलब डाउटफुल थे मतलब कि हम गलत एटॉमिक वेट को पढ़ रहे थे। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल आने के बाद उन जो डाउटफुल एटॉमिक वेट्स थी उसमें कुछ क्लियरिफाई आ गई, है ना, उसमें कुछ सुधार हुआ, लोगों को कुछ नया चीज पता चला। जैसे कि एक देखो, एक बात हम जानते हैं, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पे देखो इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। इनिशियली इट वॉज फाउंड दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम इज 4.5। देखो 4.5 था, क्या था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम, ये देखा गया। इससे पता चलता था कि ये भाई क्या है, ये ट्राइवेलेंट है, क्या है, ये ट्राइवेलेंट है, है ना। सो द वेट ऑफ बेरिलियम वॉज 13.5, है ना, एंड देर वॉज नो स्पेस इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल फॉर दिस एलिमेंट। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 13.5 मॉलिक्यूलर वेट कैरी करने वाले एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं था। तो लोगों को क्या पता था कि भाई बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 4.5 है और इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। तो इक्विवेलेंट वेट 4.5 इंटू 3 हो गया, तो निकल के आ गया 13.5। अब 13.5 के लिए कोई मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस देख ही नहीं पा रहे थे, तो अब उनको डाउट हुआ कि क्या ये एलिमेंट की वैलेंसी सही है। तो उन्होंने बेरिलियम के वैलेंसी को चेक करना शुरू किया। सो आफ्टर करेक्शन इट वॉज फाउंड दैट बेरिलियम इज एक्चुअली डाइवेलेंट, नॉट ट्राइवेलेंट, इट इज डाइवेलेंट, ठीक है। सो द वेट ऑफ बेरिलियम बिकम्स 2 × 4.5 नाउ, है ना, वैलेंसी अब क्या हो गया, 2, 3 नहीं रहा, अब वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 × 4.5 हो गया। तो एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम क्या निकल गया, 9 निकल गया। अब 9 के लिए स्पेस था, कहां पे स्पेस था, तो बिटवीन लिथियम एंड बोरॉन। सो हम लोग क्या देखते हैं कि लिथियम होता है, बेरिलियम होता है और बोरॉन होता है। तो देखो बेरिलियम के लिए जगह दिख गया, कहां पे दिख गया, लिथियम और बोरॉन के बीच में, ठीक है, तो बेरिलियम को जगह मिला। तो इससे क्या पता चला कि भाई
कुछ एक एटॉमिक वेट निकालने में भी गलतियां हो रही थी, जिनको पीरियोडिक जिनको मेंडेलीफ ने सुधार करके अपने पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट को जगह दिया। ठीक है, गुड। तो उस अब ये सिर्फ बेरिलियम के साथ नहीं हुआ, ये यूरेनियम के साथ, बेरिलियम के साथ, इंडियम के साथ, एयू के साथ, पीटी के साथ, है ना, मतलब गोल्ड, प्लैटिनम, इन सब के साथ हुआ। ठीक है, चलिए। तो ये तीसरा हम लोगों ने देखा कि क्या मेरिट्स और एडवांटेजेस हो सकती हैं किसकी, मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट्स हैं, है ना। अगर डिफेक्ट्स नहीं होते तो आज हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को नहीं पढ़ रहे होते, हम लोग तो मेंडेलीफ ही पढ़ रहे होते। तो मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी हम लोगों को कुछ डिफेक्ट्स दिखे हैं। क्या डिफेक्ट्स दिखते हैं? तो पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, वो तो आज भी अनसर्टेन है, ठीक है, लेकिन तब भी था। तो पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, इट हैज बीन प्लेस्ड इन 1A एंड 7A ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स रिजेंबलेंस विथ बोथ द ग्रुप्स। ये दोनों ही ग्रुप एल्कली ग्रुप के साथ के जैसा भी कैरेक्टर शो करता है और हैलोजन ग्रुप के जैसा भी कैरेक्टर को शो करता है। तो दोनों के जैसा कैरेक्टर को शो करता है, तो हाइड्रोजन को अब हम कहां रखें? हाइड्रोजन को हम एल्कली ग्रुप में रखें या फिर हाइड्रोजन को हम हैलोजन ग्रुप में रखें, कहां पे रखें? तो ये एक डिमेरिट था। दूसरा जो डिमेरिट था यहां पे, डिफेक्ट था, वो था नो सेपरेट पोजिशन वी आर गिवेन टू आइसोटोप्स। क्योंकि ये तो बनाया गया था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो अब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाया गया था, तो आइसोटोप्स तो आपको दिखने हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक वेट तो अलग अलग होता है। अब जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है, कार्बन का आइसोटोप है ना, सल्फर का आइसोटोप है, तो आप इन लोगों को कहाँ रखते हैं? ये लोग तो अलग 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 एटॉमिक वेट को कैरी करने वाले एलिमेंट्स थे, लेकिन इनको एक ही बार पोजीशन मिला। जैसे हाइड्रोजन का क्या था, हाइड्रोजन था मतलब प्रोटियम था, ड्यूटेरियम था, ट्रिटियम था, है ना, 1, 2, 3। 1 वाले को तो पोजीशन मिल गया, 2 और 3 वाले को तो पोजीशन नहीं मिला, है ना। तो ये एक डिफेक्ट था वहाँ पे। देन देखा गया कि इट इज नॉट क्लियर्ड वेदर द लेंथोनाइड्स एंड द एक्टिनाइड्स आर रिलेटेड टू 2A और 3A ग्रुप्स। ठीक है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के पोजीशन को लेकर के भी कुछ क्लियर नहीं बोला गया। क्लियरिटी तो देखो आज भी नहीं है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के पोजीशन को लेकर के, है ना। मेंडेलीफ के टाइम में भी नहीं था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को अभी भी हम लोग मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये तब भी डिफेक्ट था, आज भी डिफेक्ट है, लेकिन मेंडेलीफ का ये डिफेक्ट था। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर दें फोर्थ में, although there is no resemblance except valency of subgroups A and B, they have put in the same group। देखो जैसे हम लोगों ने बात किया कि कोई भी एक ग्रुप में A और B सब ग्रुप बनाए गए थे, ठीक है, तो A और B सब ग्रुप में अब एक ही ग्रुप के अंदर में दो एलिमेंट्स रखे जा सकते थे, इन दोनों एलिमेंट्स की कैरेक्टर कहीं भी सेम नहीं होती थी, फिर भी इन लोगों को एक ही ग्रुप में जगह दिया जाता था। तो ये एक थोड़ा सा क्या था भाई, लोगों को लगता था कि हम एक ही जगह पे दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कैरी करने वाले एलिमेंट्स को विद इन द सेम ग्रुप रख रहे हैं, इवन एक ही बॉक्स में रख रहे हैं। तो ये एक गलत वहां पे चीज देखा गया। ठीक है, तो ये एक डिफेक्ट था। देन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट is not strictly followed in the arrangement of element in the periodic table। ठीक है, तो मेंडेलीफ के periodic table में जैसे कि बताया गया था कि atomic weight के according कुछ एक elements को atomic weight के according elements को arrange किया जा रहा था, लेकिन कुछ एक ऐसे भी elements थे जिन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया गया था। उन एलिमेंट्स में कुछ एक एलिमेंट्स को जिनकी एटॉमिक वेट क्या थी, ज़्यादा थी, उनको पहले रख दिया गया था, जबकि वो कैसा रखा जाना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, है ना। जैसे कोबाल्ट और निकिल के पोजिशन में देखा गया, कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट था वो था 58.9 और निकल का जो एटॉमिक वेट था वो है 58.7। तो यहाँ पे एक गड़बड़ी देखी गई, है ना। जैसे
OS और IR के बीच में देखा गया। ये था 194 और ये था 192। ठीक है, तो देखो 194 को प्रायोरिटी टेबल में पहले स्पेस दिया गया है ना। तो ये कुछ एक एक्सेप्शंस भैया देखी गई थी, जैसे कि TE और I के पोजीशन में देखा गया था है ना। TE और I के पोजीशन में ये 128 था जबकि ये 127 था। तो मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पे उन्होंने क्या किया, कैरेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया एटॉमिक वेट से, और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ना अरेंज करके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये भी उनकी एक डिफेक्ट देखी गई थी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा है ना। चलिए आगे कुछ बात करते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लाया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोजले नाम के एक साइंटिस्ट ने लेके आया और उन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो फंडामेंटल, वो तुम्हारा फंक्शनल यूनिट होता है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का। मतलब कि फिजिकल एंड कैरेक्टर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना शुरू किया, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट शुरू हुआ था। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को बदला गया मेंडलीफ से। मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में क्या था, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और यहां बोला गया इट इज नॉट एटॉमिक वेट, इट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा गया कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप रखे गए। ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को समझ लो एक तरह से ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया। ठीक है, ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का एक्सटेंशन रूप है बोल सकते हो एक तरह से, है ना। तो क्या है भाई, चलो देखते हैं थोड़ा सा इसको भी। यहाँ पे 18 ग्रुप और 7 पीरियड रखा गया। तो 7 पीरियड जो रखा गया उसमें जो फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप में होता है, फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में होता है, और हीलियम जो होता है वो फर्स्ट पीरियड के 18th ग्रुप में दिखा जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटा सा पीरियड होता है जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड में देखा जाता है कि दिस पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स होता है। फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप एंड द लास्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द 18th ग्रुप, है ना, और वो क्या होता है भाई, नियॉन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, छोटा पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें कितने आपके एलिमेंट्स आते हैं, 8 एलिमेंट्स आते हैं। थर्ड पीरियड जो है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड है। इसमें भी कितने एलिमेंट्स आते हैं, 8 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है फर्स्ट ग्रुप का सोडियम, और लास्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका 18th ग्रुप का आर्गन जो कि नॉबल गैस होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या होता है, यहाँ पे सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है और आर्गन होता है। ये कहाँ पे होता है, थर्ड पीरियड में। फोर्थ पीरियड में अगर आप आते हो तो फोर्थ पीरियड को बोला जाता है कि भाई इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड बोल दिया जाएगा। तो इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले ग्रुप से बिलोंग करता है जो क्या है, के, मतलब पोटाशियम, और जो आखिरी एलिमेंट होता है वो होता है क्रिप्टॉन जो कि 18th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके के से लेकर के क्रिप्टॉन तक, मतलब पोटाशियम से लेकर के क्रिप्टॉन तक टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ में यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस हो जाता है, फोर्थ पीरियड में ही, है ना, 21 से 30 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। फिफ्थ पीरियड में अगर हम लोग आते हैं तो फिफ्थ पीरियड को हम लोग बोलते हैं कि भाई इसमें भी क्या है, 18 एलिमेंट्स हैं। तो 18 एलिमेंट्स हैं तो ये भी एक लॉन्ग पीरियड होता है ना। और ये पीरियड स्टार्ट होता है रुबिडियम से जो कि फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में
प्रेजेंट होता है, सॉरी फिफ्थ पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एंड होता है ये आपका ज़ेनॉन के साथ में, जो कि 18th ग्रुप का नोबल गैस है, ठीक है। ज़ेनॉन एक नोबल गैस है जो कि फर्स्ट फिफ्थ पीरियड के 18th ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे फिफ्थ पीरियड एंड हो जाता है इस एलिमेंट के साथ। सिक्स्थ पीरियड में अगर आप जाते हैं तो सिक्स्थ पीरियड में आप देखते हैं कि ये 32 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला पीरियड होता है, तो इसलिए हम इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 32, 8 आर रिप्रेजेंटेटिव, आपको थोड़ा ध्यान देना है, 8 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, 10 जो होते हैं वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, और 14 जो होते हैं वो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स मतलब आज के टाइम में अगर हम लोग बात कर दे तो एफ ब्लॉक, ठीक है। 10 जो ट्रांजिशनल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, है ना। और 8 क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है। तो दिस 14 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड विथ लेंथेनॉइड इन ग्रुप 3 इज नोन एज लेंथेनॉइड सीरीज या लेंथेनॉइड्स, ठीक है। जो 18 इस पीरियड में, सिक्स पीरियड में लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसके बाद से, लैंथेनम के बाद से 14 एलिमेंट्स को हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज में जाकर के पुट कर देते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं। सेवेंथ पीरियड में भी कुछ वैसा ही देखने को मिलता है। सेवेंथ पीरियड एक इनकम्प्लीट पीरियड होता है, और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें आपके कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनॉइड सीरीज में, 14 एलिमेंट्स जो होते हैं, ये 14 एलिमेंट्स आपके एक्टिनॉइड सीरीज में जाकर के प्लेस्ड हो जाते हैं, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेवेंथ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देन देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आ जाते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को क्या कि भाई बोर्स, ब्यूरी, रैंग, वार्नर, ये सब लोग मिलकर के दिए थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एंड ब्यूरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर, है ना, जो होता है वो बेस बनाया गया इस अरेंजमेंट के लिए, है ना। मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई है, वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कहाँ हुई है, किसके अकॉर्डिंग हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया गया है। कभी भी जब आप अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हो तो हमेशा देखना वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हर एलिमेंट का लिखा रहता है, और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी बता दिया जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग अगर इस कैरेक्टर्स में देखें तो दूसरा कैरेक्टर क्या होता है कि रैंग और वार्नर इस मॉडल को प्रपोज्ड किए थे, है ना। इसमें सेवेंथ पीरियड और 18th वर्टिकल कॉलम्स मतलब ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड और 18 ग्रुप होता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड फर्स्ट टू 18th ग्रुप, ठीक है। 18 जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, 18 ग्रुप बोल देते हैं, पहला से शुरू होकर के 18 तक चलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको लेकर के हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे ट्रिक्स निकाले थे और वहां पे बातचीत किए थे, है ना। क्या बोला गया इसमें, बोला गया कि सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे कि आपका अगर हम लोग बात कर दें हाइड्रोजन, पहला ग्रुप को लेकर के बात कर दें, फर्स्ट ग्रुप को लेकर के बात कर दें, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है,
है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके पास वन है, ठीक है। तो बात करते हैं हम कि भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम होगा तो आपकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या हो जाएगी, सिमिलर होने लगेगी, क्योंकि आपका रिएक्शन करने का नेचर, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम दिखने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे अगर हम लोग आ जाएं तो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट सो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। बहुत अच्छे, ये तो रिप्लिका हो गया है ना, ये तो यहाँ से यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया एक का, होने दो लेकिन पढ़ो, अब है तो है, क्या कर सकते थे, ठीक है। चलो भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दो बार हो गया है ना। चलिए देन हम आपको दिखाते हैं कि भाई क्या है अभी का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यही है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके पास 7 पीरियड है ना और 18 ग्रुप्स हैं। देख लो भैया, यहाँ से यहाँ तक 18 ग्रुप्स हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होता है, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट है, तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, चौथा जो पीरियड होता है वो देखो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैरी करना शुरू कर देता है। और ये सब तो आपको याद करवा ही चुके हैं, पूरा का पूरा पीरियडिक टेबल तो आपको हम याद करवा ही चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है एस ब्लॉक, ये दोनों ये मतलब ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया आपका डी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका पी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया आपका एफ ब्लॉक, ये पूरा, ये होता है लेंथेनाइड सीरीज और ये होता है एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो ये है आपका कि भाई पीरियोडिक टेबल यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचा, ये पूरा रास्ता ऐसे ही तय हुआ है। और अभी और भी आगे रास्ता ये चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजिशन अभी भी क्लियर नहीं है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स मतलब एफ ब्लॉक को अभी तक पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी में कहीं पे स्पेस नहीं मिला है। तो आप थोड़ा पढ़ो और पढ़ के ढूंढो क्या किया जा सकता है इसमें, और अगर पता चल जाए कि क्या किया जा सकता है तो IUPAC को मेल करो, है ना, ईमेल आईडी चाहिए तो मेरे से मांग लेना, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।